दाहोद अब मेक इन इंडिया का भी बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। गुलामी के कालखंड में यहां स्टीम लोकोमोटिव के लिए जो वर्कशॉप बनी थी वो अब मेक इन इंडिया को गति देगी। अब दाहोद में परल में 20,000 करोड़ रुपए का कारखाना लगने वाला है। मैं जब भी दाहोद आता था तो मुझे शाम को परेल की उस सर्वेंट क्वार्टर में जाने का अवसर मिलता था और मुझे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में वो परेल का क्षेत्र बहुत पसंद आता था। मुझे प्रकृति के साथ जीने का वहां अवसर मिलता था, लेकिन मिल में एक दर्द रहता था। मैं अपनी आंखों के सामने देखता था कि धीरे धीरे हमारा रेलवे का क्षेत्र, ये हमारा परेल, पूरी तरह निष्प्राण होता चला जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा सपना था कि मैं इसको फिर से एक बार जिंदा करूंगा, इसको जानदार बनाऊंगा, इसे शानदार बनाऊंगा, और आज वो मेरा सपना पूरा हो रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए से आज मेरे दाहोद में, इन पूरे आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, हजारों नौजवानों को रोजगार। आज भारतीय रेल आधुनिक हो रही है, बिजलीकरण तेजी से हो रहा है, मालगाड़ियों के लिए अलग रास्ते यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इन पर तेजी से मालगाड़ियां चल सके ताकि माल ढुलाई तेज हो, सस्ती हो। इसके लिए देश में ही बने हुए लोकोमोटिव बनाने आवश्यक है। इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की विदेशों में भी डिमांड बढ़ रही है। इस डिमांड को पूरा करने में दाहोद बड़ी भूमिका निभाएगा। और मेरे दाहोद के नौजवान, आप जब भी दुनिया में जाने का मौका मिलेगा तो कभी ना कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके दाहोद में बना हुआ लोकोमोटिव दुनिया के किसी देश में दौड़ रहा है। जिस दिन उसे देखोगे आपके दिलों में कितना आनंद होगा। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो 9,000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली लोको बनाता है। इस नए कारखाने से यहां हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आसपास नए कारोबार की संभावनाएं बढ़ेगी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक नया दाहोद बन जाएगा।